Right guys, back to see the stand is it right? This is business A2's little down there, I'm saying. And यार अपने last class में क्या कर रहे थे तुम लोगों को याद होगा? तो last class replay की थी उसके अंदर मैं करवा रहा था topic unit one हमने पूरा cover करा था। मैंने काफी depth में cover करा था unit one। 6 units हैं ना हमारे पास business A2's के अंदर unit one हमने काफी depth में cover करा था। अब हम यूनिट टू पे बात करेंगे. व्हाट इज यूनिट टू एक्शन? वी विल बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस A2's के अंदर ह्यूमन रिसोर्स पे बात करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स यानी मैनेजिंग द लेबर. इसके अंदर मैंने टॉपिक जो लिखे हैं जो मेन इसके अभी टॉपिक हैं जो कि पूरा प्लान मैं भी बता दूंगा किस तरह से करना है. ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हायरार्की एंड मैट्रिक्स, कम्युनिकेशन, ट्रेड यूनियन, वर्कफोर्स प्लानिंग, मेजरमेंट ऑफ लेबर परफॉर्मेंस एंड एमबीओ, ये इसके मेजर टॉपिक्स हैं. इसके अंदर से मैं अभी ये कवर कराऊंगा 1, 2, 3. फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग सॉल्व करेंगे और उसको सबमिट करवाएंगे. इसका जो आगे वाला पार्ट है ये फिर मैं नेक्स्ट के करने क्लास में इसको कवर कराऊंगा. एक्चुअली हमारा रीप्ले का ही कंटिन्यूएशन चल रही है, बट इसके अंदर एक चीज ऐड होगी, तुम लोग क्वेश्चन करके दोगे. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आज की क्लास में होगा. इसके बाद ये मैं कवर कराऊंगा. इसके बाद केस स्टडी है. केस स्टडी वो किस चीज पे है? ह्यूमन रिसोर्स पे. ह्यूमन रिसोर्स यानी जो यूनिट हमारा चल रहा है जिसका मैं अभी जो रीप्ले या टॉपिक मैं इसके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड ये पर ये सुनने के बाद या ये वीडियो कवर करने के बाद फिर आप इसका आंसर लिखेंगे पूरी केस स्टडी के फॉर्म में. अभी क्लियर विद दिस? आई एम श्योर वी क्लियर विद दिस. जस्ट वन वे कम्युनिकेशन एट द मोमेंट. अच्छा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सी ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द वर्ड ह्यूमन रिसोर्स? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल स्क्रैच है. क्या होता क्या है ह्यूमन रिसोर्स? सिंस हम यूनिट स्टार्ट करें हमें इसका बिल्कुल ओरिजिन बताना चाहिए क्या है, क्या कहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट. तो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इज व्हाट इज द मैन पावर ऑफ an organization. एक organization की manpower, the labor force they have, that's known as the human resource. अच्छा human resource manpower, okay. The larger the organization, the more the human resource. So the larger the organization, the greater slash more the labor force. The more the labor force, considering it's a labor intensive firm. So yeah. Achab, if we talk about human resource department, what is the human resource department? Human resource department karta kya hai? Sare labor related issues ko manage karta hai, right from when the labor is recruited until the labor is no longer a member of the organization. No longer a member of the organization ka matlab kya hai? Ho sakta hai wo nikala gaya ho, ho sakta hai usne khud chhod diya ho, company band ho gayi, whatsoever. Human resource is glued with the labor right from when the labor is recruited jab tak the labor is no longer a member of that particular organization. The human resource department kya karta hai? Manages all labor related issues right from when the labor is recruited until the labor is no longer a member of the organization. Ye basically human resource डिपार्टमेंट. सही है, ह्यूमन रिसोर्स. अच्छा इसके बाद वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? सही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता क्या है, इसके काम क्या है? सही है, सबसे पहला इसके मेजर बहुत सारे काम है. इसके मेजर काम क्या है? वी टॉक अबाउट व्हाट डज इट डू. रिक्रूटमेंट, रिक्रूट करता है. अच्छा इसके बाद क्या करता है? ट्रेन करता है लेबर को. ट्रेनिंग के बाद क्या करता है? मोटिवेशन, द बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेशन.
फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, फिर उसके बाद पे लेवल डिसाइड करता है कि किसको कितना पे करना है इसकी. अच्छा, इसके बाद क्या करता है, मॉनिटर करता है, मॉनिटर्स लेबर परफॉर्मेंस. अच्छा, लेबर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, ट्रेनिंग करता है, मोटिवेट करता है, डेलीगेशन डिसाइड करता है, लीडरशिप स्टाइल डिसाइड करता है. लीडरशिप स्टाइल ईदर ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ब्लेजेस फेयर, पैटर्निस्टिक, ये डिसाइड करता है. तो ये डिसाइड करता है मेनली सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड. क्या डिसेंट्रलाइज्ड? डिसीजन मेकिंग. अच्छा, फिर इसके बाद ट्रेड यूनियन को मैनेज करता है एंड सो ऑन. ये इसके मेन काम है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड डेलीगेशन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेलीगेशन. नाउ व्हाट इज द वर्ड डेलीगेशन? अच्छा, अक्सर ये स्टूडेंट जब ये वर्ड सुनते हैं डेलीगेशन के ध्यान में आता है, जो लोग बाहर से आए होते हैं वो डेलीगेशन है. सही है, वो नॉर्मल इंग्लिश में डेलीगेशन है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेलीगेशन, हम डेलीगेशन बिजनेस में जब बात करते हैं, डेलीगेशन का मतलब है कोई बॉस अपने सबॉर्डिनेट को कोई टास्क जब डेलीगेट करता है, उसको कोई टास्क देता है, ये काम तुम मेरे बिहाफ पे करो, दैट इज नोन एज डेलीगेशन. जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ज्यादा डेलीगेशन इंपॉर्टेंट होगी. जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, शायद एक या दो या तीन एम्प्लॉइज काम करें, तो ओनर हो सकता है काफी काम खुद कर रहा है. बट डेलीगेशन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू गिव योर टास्क टू द सबॉर्डिनेट्स, सही है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप और ग्रो करें ताकि सबॉर्डिनेट भी से ट्रेन होते जाएंगे जब उनको काम दिया जा रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं कहूंगा क्योंकि मेरा कैश फ्लो जो है, ओके फाइन यार अली एक काम करो, कैश फ्लो तुम बना लो मेरे लिए, सही है. तो अली उससे रेडी हो रहा होगा, उसको कैश फ्लो बनाना आएगा, मेरा वर्कलोड कम होगा, इसकी अच्छाई भी है काफी, थोड़ी बुराई भी है, सही है. बट द बिगर द ऑर्गेनाइजेशन, एज इन द लार्जर द ऑर्गेनाइजेशन, द मोर डिपेंडेंसी ऑन डेलीगेशन इंक्रीजेस. क्योंकि डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट as far as growth of business is concerned. तो delegation basically क्या होता है, अगर हम बात करें, किसी को authority देना, क्योंकि मैंने उसको authority दे दी है, cash flows अली तुम बना के दोगे, सही, मैंने उसको authority दे दी है, authorize कर दिया है कि ये काम अब तुम करके दोगे, सही है. अच्छा, final responsibility उसके अंदर नहीं दी जाती. जब आप definitions की देखेंगे गूगल पे आपको या different books के अंदर अगर आपको नजर आएगी, तो आपको नजर आएगा delegation is giving authority but not the final responsibility, giving the authority to the subordinate but not the final responsibility. Responsibility is given authority de ke ye kaam ab tum kar sakte ho, in case usse kuch error hua, kuch hua, theek hai, to he would not be responsible kyunki wo kaam mujhe assign kara gaya tha. Aap ye clear with idea, the subordinate train ho raha hota hai, jitni organization grow ki jati hai, train your labor through delegation, prepare ho jate hain wo kaam ko accept karne ke liye, they feel trusted. Advantages kaafi jo ki abhi hum iski discuss karenge, theek hai. तो डेलीगेशन बेसिकली कौन करेगा? बॉस सबॉर्डिनेट को करेगा, सबॉर्डिनेट जूनियर होता है स्टैंडर्ड, या सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर को कर सकता है, या सीनियर अपने सबॉर्डिनेट को कर सकता है, ठीक है, या अपर लेवल ऑफ हायरार्की लोअर लेवल ऑफ हायरार्की को डेलीगेशन कर सकता है. तो डेलीगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डेलीगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग टास्क टू The subordinate. So, if we talk about the general definitions, delegation is giving authority to the subordinate but not the final responsibility. One of the terms is complete. तो ये बेसिकली क्या है, डेलीगेशन करना. एक बात याद रखिएगा, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी डेलीगेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट. द लार्जर द ऑर्गेनाइजेशन द मोर इंपॉर्टेंट द डेलीगेशन. तो ये उसमें डेलीगेशन इंपॉर्टेंट होता है. छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ज्यादा काम खुद भी कर सकते हैं, उसका सबॉर्डिनेट ना स्किलफुल ना हो कि वो उस काम को मैनेज कर सके. दिस इज अबाउट डेलीगेशन. बट डेलीगेशन की अच्छाई भी है, बुराई भी है. फ्रॉम
the manager's point of view, let's assume I'm the manager, see it. And let's suppose maybe this guy, आप देख के यहाँ कोई नहीं सही है. तो इस साइड पे अगर हम ठीक है बात में, let's suppose this guy is ठीक है हम बात सही है. अगर हम बात हम कोई काम delegate कर रहे हैं सही है. मेरे लिए advantage है, मुझे I'll get a chance to assess the potential in my subordinate कि मेरे subordinate में कितना potential है सही है. अच्छा लेकिन subordinate के लिए भी अच्छाई तो है. He gets a chance to you know prove his potential. अच्छा मेरी तरफ से बुराई क्या है अगर मैं डेलीगेट कर रहा हूँ टास्क, अगर मैं डेलीगेट कर रहा हूँ स्लाइट मिसहैप कर दिया हमारे कोई भी एरर कर दिया तो इट कैन क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा एक और बुराई की कहते हैं सबॉर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको काम दिया जा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब डेलीगेट करा जाएगा उसके लिए क्या बुराई है. कभी बार ऐसा होता है यूजली बोरिंग टास्क है डेलीगेटेड एंड ज्यादातर क्रेडिट कौन ले जाएगा. अगर अच्छा काम उसने करा है सारा क्रेडिट मैं ले जाऊंगा. आई वोंट इवन शो कि हमारा एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. So there are plus and minus to it. Keep that in mind. Because वो आंसर के अंदर आपको जरूर चढ़ेगी इसकी. तो यानी कि जैसे थोड़ा सा साइड कर दें हम आधा एग्जिस्ट कर रहे हैं पीछे के चीज के थोड़ा सा ये से साइड या सही है. Here we are. You are clear? Okay. Same. So अब अगर हम बात करें advantages of delegation. Delegation to the manager. मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं सही. आई एम द मैनेजर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं डेलीगेशन सही है. अभी एक काम करते हैं थोड़ा सा पॉज करते हैं मैं इसको रिप्लेस करूं थोड़ा सा.